नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 9 सितंबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से कि मई 2020 से चल रहे सैन्य गतिरोध सुलझाने की सबसे बड़ी अड़चन खत्म। गोगरा हॉट स्प्रिंट से भारत व चीन बुलाएंगे सैन्य। तो यहाँ हम मैप एनालिसिस करेंगे कि कहाँ है ये लोकेशंस। फिर हम देखेंगे कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैधता को क्यों दी गई चुनौती, वह क्या है 1973 का केशवानंद भारती वाद। फिर हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित बातों को कि किस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर हम देखेंगे किंग्सवे से कर्तव्य पथ तक का इतिहास। फिर हम देखेंगे QRSAM क्या है, वो कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है और किस तरह से यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। फिर देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से हम देखेंगे भारत जापान के संबंधों को कि 2+2 वार्ता क्या है और क्या लेकर बातचीत हुई। उसके बाद हम डोकलाम विवाद को भी देखेंगे एक बार। फिर हम गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग पेंगोंग लेक्स को भी देखेंगे, पीओके को देखेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान को देखेंगे यानी जम्मू कश्मीर के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखेंगे। फिर हम जापान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ओडिशा के मैप को देखेंगे। फिर हम जो न्यू दिल्ली का जो डिज़ाइन है उसको देखेंगे एक बार। फिर हम गूगल अर्थ को देखेंगे। फिर एक वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आज का विषय के मुख्य बिंदु रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। गोखरा हॉट स्प्रिंग से भी सैनिक वापस बुलाएंगे भारत और चीन। तो जैसा कि हमें पता है कि मई 2020 से चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने की सबसे बड़ी अड़चन खत्म। SCO सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग के बीच हो सकती है भेंट। तो कहीं ना कहीं जो मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से भारत और चीन के बीच जो उत्पन्न तनाव को खत्म करने के आसार अब बन रहे हैं। भारत और चीन ने गुरुवार को संयुक्त बयान जारी कर बताया कि 16वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बैठक में इस तरह की सहमति बनी जिसमें गोखरा हॉट स्प्रिंग इलाके यानी PP-15 से दोनों देशों ने अपनी सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। सैनिकों की वापसी आपसी समन्वय और योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है जिससे सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित की जा सके। सैन्य विवाद के निपटारे में गोखरा हॉट स्प्रिंग का इलाका सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ था और यहीं से सैनिकों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि अगले सप्ताह समरकंद यानी जो उज्बेकिस्तान की राजधानी में यानी संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन में कहीं के जो PM मोदी और कहीं के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। और 2016 में कहीं के जो भारत और चीन के बीच डोकलाम यानी जो भूटान सीमा पर है उससे कहीं के जो तनाव पैदा हुआ था जिसे कहीं के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले कहीं के वहाँ से सेना की वापसी बुला ली गई थी। और गलवान घाटी यानी जो पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और इस पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से हालात बिगड़ गए थे। जून 2020 में सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष से हालात और गंभीर हो गए थे। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग से कहीं ना कहीं जो भारत और चीन दोनों अपने सैन्य जो गतिविधियाँ उनको कम करके और सैनिकों की वापसी बुला रहे ताकि उस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। तो अब हम इसका एक बार मैप देखते हैं। तो अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो UTs में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया और ये पूरा लद्दाख UTs हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू और श्रीनगर और ये LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स और ये कहीं ना कहीं गिल्टिट बाल्टिस्तान यानी कहीं ना कहीं जो 1947 में जो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड कर लिया था और ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया और ये अक्साई चीन जिसको कहीं ना कहीं जो चीन ने 1962 यानी जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके थ्रू कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपाइड कर लिया था चीन ने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलवान घाटी
ये यहाँ पर गलवान घाटी, ये हॉट स्प्रिंग्स वाला क्षेत्र हो गया, और ये कहीं ना कहीं जो पेंगोक लेक, ये कहीं ना कहीं ये जो अक्साई चीन है, इसकी मतलब जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, तो कहीं ना कहीं इसकी सीमा पर अवस्थित है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर और ऊपर सक्षम वैली अवस्थित हो गई, जो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड की थी एक तरह से, और कहीं ना कहीं इलीगली तरीके से चाइना को दे दी 1963 में। ये शिनजियांग प्रांत हो गया किसका, चाइना का, और ये चाइना नेशनल हाईवे 219 जो कहीं ना कहीं इलीगली जो भारत का क्षेत्र है हमारा, उससे कहीं ना कहीं होकर जो चाइना का नेशनल में निकल रहा है, और ये कहीं ना कहीं CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहीं ना कहीं जो हमारे POK वाले क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती दी जा रही है। तो आने वाले समय में देखना है कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, और किस तरह से जो CPEC का विरोध करती हैं, और आने वाले समय में हमको POK व अक्साई चीन को वापिस भारत के क्षेत्र में शामिल करना ही है। अब हम डोकलाम विवाद को देखते हैं। तो ये भारत का मैप, और ये कहीं ना कहीं सिक्किम या भूटान, और नीचे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल आ गया, और ये सिलीगुड़ी वाला रास्ता हो गया, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डोकलाम बाउल है, जो कहीं ना कहीं ट्राई जंक्शन हो गया एक तरह से, इधर से भारत, इधर से भूटान, और इधर से कहीं ना कहीं चाइना, ये चुंबी वैली इसके ऊपर अवस्थित हो गई, यानी भूटान और सिक्किम के बीच में अवस्थित हो गई, ये याडुंग, और ये कहीं ना कहीं डोकलाम बाउल हो गया, और ये नाथुला दर्रा हो गया है, और कहीं ना कहीं ये ट्राई जंक्शन देख ही लिया हमने। अब इसके हम दूसरे मैप को एनालिसिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डोकलाम जो क्षेत्र है, वहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से अमू चहु नदी होकर गुजर रही है, ये ट्राई जंक्शन वाला क्षेत्र हो गया, ये नाथुला दर्रा, इधर सिक्किम, ये माउंटेन ब्रिज हो गई एक तरह से, ये निश्चय बंगाल अवस्थित है, ये डोकलाम का पठार हो गया, ये ट्राई जंक्शन हमने देख लिया, यानी भारत, भूटान और चाइना के बीच में अवस्थित हो गया एक तरह से, कहीं ना कहीं यही चाइना ने इलीगली तरीके से अपनी सेना को डिप्लॉय किया था, तो इसी को देखते हुए भारत ने इसका जोरदार विरोध किया था, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जो चाइना ने अपनी सेना यहाँ से हटा ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि जो दुश्मन सेना है, यानी एक तरह से कह सकते हैं हम जो चाइना की एक तरह से जो हमारे जो पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला रास्ता है सिलीगुड़ी, उसको अवरुद्ध कर सकता था, इसी को देखते हुए भारत ने इसका जोरदार विरोध किया और चीन को पीछे हटना पड़ा। ये दिखाया हुआ है इसमें कि ये सिक्किम या भूटान, और ये कहीं ना कहीं इधर नेपाल आ गया है, और नीचे पश्चिम बंगाल, और ये ब्रह्मपुत्र हो नदी जा रही है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वोत्तर तक जोड़ने का कहीं ना कहीं जो स्थल मार्ग है वो एकमात्र रास्ता है ये दार्जिलिंग, और ये सिक्किम वाले क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं डोकलाम, जहाँ कहीं ना कहीं सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन हो गया, यानी सिक्किम यानी एक तरह से भारत, और ये डोकलाम रीजन हो गया, और ये चुम्बा वैली चुम्बी वैली, तो इस तरह से हमको देखना ही है। अब बढ़ते हैं हम आगे, कर्तव्य पथ पर दिखेगा नए भारत का भविष्य, मोदी। तो प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद नेताजी को नज़रअंदाज करने वाले कांग्रेस को पर कहीं किया तंज, तो कहा देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो कर्तव्य पथ के उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही भारत ने गुलामी की दो और प्रतीकों से मुक्ति पा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि अब इससे सिर्फ नए भारत का भविष्य नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगा दी है, जिससे कहने के जो गुलामी की मानसिकता है उसका परित्याग करने का एक तरह से उदाहरण है, और राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे, और राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, और उसकी संरचना भी कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो राजपथ का नाम हटाकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थर का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवन मार्ग है। तब हम इसको आगे भी देखने की कोशिश करेंगे इस खबर को। ब्रिटेन पर 70 साल राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, तो सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के राजगद्दी संभालेंगे। तो 15 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ने साथ किया किया कार्य, तो PM नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना।
तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी यानी द्वितीय का गुरुवार को कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के में निधन हो गया। 1952 को ब्रिटिश साम्राज्य की शासक बनी थी। अब देखते हैं हमारी अगली खबर। आर्थिक आधार पर आरक्षण मामले में विचारणीय प्रश्न थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है हमारे संविधान और राजनीति से संबंधित है और इनसे संबंधित मुद्दों से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ परखेगी कि सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शक्ति देने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को विचार के लिए 3 कानूनी प्रश्न तय किए हैं। उसमें से एक प्रश्न यह भी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने वाला 103वां संविधान संशोधन कानून के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं। फिर देखेंगे कि जिसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो EWS जो कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को और ऐसे आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन जो है कानून है को एक तरह से चुनौती दी गई है। और अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के विचार के लिए जिन 3 कानूनी मुद्दों का प्रस्ताव दिया था उनमें पहला मुद्दा यह है कि क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसमें तहत सरकार के आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली है। दूसरा सवाल है कि क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है। और तीसरा सवाल है कि क्या 103वां संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन है कि गरीब वर्ग यानी EWS के आरक्षण में OBC SC ST को शामिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों पर विचार करने का निर्णय लिया है उनमें आर्थिक आरक्षण का प्रावधान करने वाला 103वें संविधान संशोधन कानून को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन की कसौटी पर परखने की बात की गई। तो अब ये किस आधार पर ये याचिका दायर की गई, तो इसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं जो संविधान की जो मूल ढांचे की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती के मामले में तय की थी और कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले बदलाव नहीं कर सकती, न ऐसा कानून ला सकती हैं। तो अब किन तो ये पूरा केस था कि किस आधार पर चुनौती दी गई है। अब देख लेते तो इन सवालों पर कोर्ट की मुहर। तो कहीं ना कहीं क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली। और दूसरा प्रश्न रहेगा कि क्या ये संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है। और तीसरा रहेगा कि क्या 103वां संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन है कि गरीब वर्ग यानी EWS के आरक्षण में OBC SC ST को शामिल नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या निर्णय देता है। हम बढ़ते हैं आगे। पांचवी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने से हर भारतीय गौरवान्वित, मोदी। तो कहा अमृतकाल में यह उपलब्धि और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। तो देश में 4 करोड़ लोग केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो अब हमें इस खबर को इस तरह से देखना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे GS3 यानी जो स्कीम्स होती है यानी जो योजनाएं होती है किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए, तो वो कौन सी योजनाएं चला जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है यानी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से देखना है कि कहीं ना कहीं जो सूरत के जो चिकित्सा शिविर में जो वर्चुअली संबोधित करते हैं उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिकी की बन गया है। मोदी ने राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। PM ने सभी किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे न्यूनतम लागत के साथ बेहतर उपज मिलेगी। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के से किस तरह गरीबों को लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है,
विधवा पेंशन योजना क्या है और किस तरह से ये जो वीकर सेक्शन है उसको सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। टीबी मरीज को ले सकेंगे गोद, तो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत टीबी मरीजों को पर्याप्त पोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकांश मरीज गरीब तबके से आते हैं और पोषक भोजन के अभाव में उनकी बीमारी ठीक होने में समय लगता है, तो सरकार इन मरीजों को पोषक भोजन के लिए हर महीने 500 रुपये की सहायता देती है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा था। इसीलिए नए अभियान में जन भागीदारी के माध्यम से टीबी के मरीजों को पोषक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। तो अब हमें हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से देखना है कि टीबी बीमारी क्या है, किस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं और किन बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है, और इसके लिए क्या उपचार के नियम हैं और किन तरीकों से इसका उपचार किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है जो कहीं ना कहीं किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे MTB भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जनरली किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को, लेकिन ये पूरी बॉडी में फैल सकती है यदि ध्यान न दिया जाए। इसके सिम्टम्स में देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो क्रोनिक कफ आता है किसके साथ, विथ ब्लड और म्यूकस, फीवर आता है, नाइट स्वीट्स यानी रात में पसीना आता है, और कहीं ना कहीं जो वजन है वो कम होने लगता है। ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट थ्रू द एयर व्हेन पीपल वू हैव एक्टिव टीबी इन देयर लंग्स कप, और स्पिट स्पीक और स्नीज यानी छींके से खांसी से कहीं ना कहीं ये एक आदमी से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। यानी कहीं ना कहीं जो इसका संचरण का तरीका है वो क्या है, तो कहीं ना कहीं जो छींकों से कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से भी कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। दूसरा, इसके लिए जो डायग्नोस्टिक्स क्या है, तो कहीं ना कहीं जो चेस्ट एक्सरे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, एक कल्चर ऑफ बॉडी फ्लूड्स, और दूसरा है कि ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके लिए अगर शुरुआती स्टेज में अगर इसका डिटेक्ट कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं जो BCG यानी बेसिलस कैलमेट गोरिन वैक्सीन दी जाती है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इसके जो अदर नेम्स क्या है, तो फतिसिस और फतिसिस फुफुसिया और महान सफ़ेद प्लेग, और ये एक तरह से दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो एक तरह से जो चेस्ट एक्सरे में एक पर्सन को जो एडवांस टीबी है वो दिखाया हुआ है कि दोनों लंग्स में किस तरह से फैल चुकी है, और कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स से क्रॉनिक कफ, फीवर, कफ विथ ब्लड ब्लडी म्यूकसस, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। इसका कॉज क्या है यानी किस वजह से होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो स्मोकिंग, HIV और एड्स। इसका डायग्नोस्टिक्स मेथड क्या है, तो चेस्ट एक्सरे कल्चर यानी जो कल्चर किसका, बॉडी फ्लूड्स का। दूसरा है ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट, और एक है क्वांटिफेरोन पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमको देखना है इसके प्रिवेंशन क्या है, तो कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग थॉस एट हाई रिस्क ट्रीटमेंट ऑफ दोस इन्फेक्टेड वैक्सीनेशन विथ बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, और इसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब इससे कहीं ना कहीं जो डेथ्स का आंकड़ा दिखाया हुआ है कि 2020 में 1.5 मिलियन लोगों की टीबी की वजह से मौत हुई। 25% ऑफ पीपल कहीं ना कहीं टीबी से ग्रसित हैं। ये दिखाया हुआ है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये खांस रहा है, एक तरह से इसके जो लंग्स है पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गए टीबी से। ये उसके लक्षण दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ये पूरे बॉडी में फैल सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। नाइट स्वीट्स, वीकनेस, कमजोरी, फीवर, ड्राई कप, वेट लॉस, और कहीं ना कहीं जो एबनॉर्मेटिक्स स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी कप, पुअर एपेटाइट, इस तरह से हमको देखना है कि और क्या ट्रांसमिशन किस तरह हो रहा है। इसके रिस्क फैक्टर हमने देख ही लिए हैं। और ये आंकड़ा दिखा हुआ है भारत का कि 2017 तक भारत में अनुमानित
27,40,000 मामलों के साथ सबसे बड़ी कुल घटना थी। WHO के अनुसार 2000 से 2015 में भारत की अनुमानित मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति 1 लाख आबादी पर 55 से घटकर 36 हो गई, जिसमें 2015 में अनुमानित 480,000 लोगों को टीबी से मृत्यु हुई। तपेदिक यानी टीबी का एक बड़ा हिस्सा निजी भागीदारी और निजी अस्पतालों द्वारा इलाज किया जा रहा है। साक्ष्य इंगित करते हैं कि जो टीबी राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारत में निजी क्लिनिकों और अस्पतालों द्वारा निदान और दर्ज किए गए मामलों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कवर किया था ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस का, ये एक तरह से आंकड़ा दिखाया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस डेथ पर मिलियन पर्सन इन 2002 है, तो भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से ज़्यादा रेड जोन में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमको इसको ग्राफ को भी देखना है। ये एक और ग्राफ दिखाया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस पर 1,001 लाख पीपल्स 2016 में, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पर 1 लाख पीपल इन 2060। तो कहीं ना कहीं जो भारत की स्थिति है वो कहीं ना कहीं 100 से 250 के बीच में दिखाई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति है वो कौन सी, तो साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र की दिखाई हुई है, जहाँ 500 से 750 के बीच में है, और पाकिस्तान की हमारे पड़ोसी देश की 250 से 500 के बीच में। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, किंग्स वे से कर्तव्य पथ तक। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों ओर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। किंग्स वे यानी राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। जो आज़ादी के बाद बदले गए नाम कौन से, तो स्वतंत्रता के बाद किंग्स वे को राजपथ और किंग्स वे को जनपथ नाम दिया गया था, अब राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। रायसीना हिल्स को वाइस राय हाउस कहा जाता था, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। ग्रेट प्लेस को विजय चौक के नाम से जाना गया। इरविंग स्टेडियम को अब कैप्टन ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 20 साल से ज़्यादा समय में हुआ था निर्माण, तो नई दिल्ली के निर्माण में 20 साल से ज़्यादा समय लगा था। रायसीना हिल के नज़दीक ही बने संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने जनवरी 1927 में किया था। फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो हम यहाँ इतिहास देख लेते हैं राजधानी का। तो नई राजधानी स्थापित करने के निर्णय के साथ बनी थी नई रूपरेखा। तो 1911 में ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता, अब कोलकाता, से बदलकर नई दिल्ली करने का फैसला किया था। 15 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने ब्रिटिश राज में नई दिल्ली की नींव रखी थी। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने नई राजधानी को तैयार करने की जिम्मेदारी निभाई थी। नई राजधानी बनने के बाद रायसीना हिल से इंडिया गेट तक के मार्ग को किंग्स वे नाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रीलिम्स से प्रश्न बनता है कि सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट यानी हर्बर्ट वेकर ने कहने के जो नई दिल्ली की एक तरह से जो रूपरेखा तैयार की थी। तो कहने का आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न बनता है यहाँ से, और मॉडर्न स्टेट से तो संबंधित है ही ये विषय। और कहीं ना कहीं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी कहने का अनावरण किया गया है, और कहीं ना कहीं एक तरह से गौरव का प्रतीक रहा है। तो यहाँ एक तरह से मैप दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये राष्ट्रपति भवन और ये बीच में एक तरह से जनपथ हो गया है, ये सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर हो गया है, इधर केंद्रीय सचिवालय हो गया है, ये कहीं ना कहीं इंडिया गेट वाला दिखाया हुआ है, और ये नए नया प्रधानमंत्री कार्यालय, ये प्रधानमंत्री का नया आवास, ये सांसदों का कार्यालय, और ये संसद भवन। अब पुराना वाला ये वाला था, और नया वाला ये उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो टाटा हैंडल कर रही थी, तो वो ये वाला प्रोजेक्ट निर्माण किया जा रहा है। तो ये पूरा रूट दिखाया हुआ है। अब इसका हम दूसरा एक और मैप देखने का प्रयास करते हैं। तो द इनिशियल डिज़ाइन ऑफ न्यू दिल्ली वाला, तो कहीं ना कहीं इसमें यह दिखाया हुआ कि विक्टोरिया वायसराय हाउस, जिसे आज कहीं का राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, ये सेक्रेटरीज बिल्डिंग्स हो गई, ये काउंसिल चैम्बर हो गया, ये किंग्स वे जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, पहले इसका नाम राजपथ था, और ये वॉर मेमोरियल आर्क, और ये इंडिया गेट, और ये कहीं ना कहीं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, जहाँ कहीं ना कहीं क्रॉसिंग हो रही है एक तरह से 90 डिग्री पर, और कहीं ना कहीं एक तरह से जो इसमें जो लुटियंस यानी
जिन्होंने इनका जो निर्माण देखा था, आखिरी में इसका जो एक गूगल अर्थ में इसके मैप को देखेंगे कि किस तरह से जो जो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने जो टाउन प्लानिंग की थी नई दिल्ली की, वो किस तरह से थी और आज किस तरह से देखती है। तो अब बढ़ते हम आगे, अब देखते हम GS3, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टैक्स, और भारत साइंस एंड टैक्स में। तो यह है QRSAM तकनीक। तो स्वदेश में निर्मित कम दूरी की QRSAM मिसाइल में एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता, तो हर मौसम में काम करने वाली प्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल के रूप में तैयार किया गया है। लक्ष्य को पहचानने और उस पर निशाना साधने की क्षमता होती है। तो अब देख लेते हैं कि भारत ने किया QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर तट पर सतह से हवा में मारक करने वाले स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का छठा सफल परीक्षण किया है। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में स्थित प्रक्षेपण परिसर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। 60 किलोमीटर दूर चांदीपुर से अब्दुल कलाम द्वीप पर चौथा लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से अग्निशिरीज की मिसाइलों का परीक्षण होता है। लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स ओडिशा के तटवर्ती बंगाल की खाड़ी में बसे चांदीपुर में है। यहाँ से छोटे रॉकेट से लेकर मध्यम दूरी के मिसाइलों का परीक्षण होता है। तो अब हम इस मैप को देख लेते हैं और हमको ये ध्यान होना चाहिए कि ये मिसाइल क्या है, किस तरह से ये भारत की जो सुरक्षा चिंताओं को एक तरह से दूर करेगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर कहीं ना कहीं ये कदम है, और जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उसको मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, इससे पहले हम एक बार इसका एक वीडियो देख लेते हैं जो हाल ही में DRDO ने लॉन्च किया है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखते हैं हम अर्थशास्त्र से संबंधित खबर को। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से बढ़ेगी जैविक खेती। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेपेड के संपूर्ण स्वरूप को बदलने पर हो रहा है विचार। 2 महीने के भीतर बन जाएगा बीज संवर्धन और सर्टिफिकेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। तो केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कृषि क्षेत्र में सहकारिता को मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाएंगे। शाह गुरुवार को सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 4-5 बड़े सहकारी संस्थाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर बीज की गुणवत्ता बढ़ाने और पुराने बीजों को संरक्षित करने को एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन किया जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है, जिसके माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी खेती को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। इसकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए सहकारी संस्था अमूल की अगुवाई में एक मल्टी कोऑपरेटिव का गठन किया जाएगा। अमित शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों को कहा कि मंद और बंद सहकारी गतियों को तेज करने पर जोर देना होगा। और कहीं ना कहीं जो सहकारिता क्षेत्र में असंतुलन का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पूरा देश 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र विकसित राज्यों में, जबकि विकासशील की श्रेणी में मध्य और उत्तर भारत है, और तीसरा क्षेत्र अल्प विकसित है, जिसमें कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर और पूर्व के राज्य शामिल है। और पैक्स को सक्रिय रूप से मार्केटिंग से जोड़ना होगा, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गृह मंत्री जी है उन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत और जापान के बीच कहीं ना कहीं जो रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत। पहला वायुसेना युद्ध अभ्यास करेंगे। तो चीन को संदेश, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता जताई। तो कहा और कहीं ना कहीं ये 2+2 वार्ता में कहा गया है, कहा कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक करें विवादों का समाधान। तो भारत और जापान ने गुरुवार को
सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें पहला वायुसेना युद्ध अभ्यास शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के बीच दोनों देशों ने ऐसी नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई, जो सभी देशों के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हो। भारत जापान की दूसरी 2+2 वार्ता में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का सम्मान करती हैं और साझा वैश्विक संसाधनों की रक्षा करती हैं। कहीं ना कहीं जो जयशंकर जी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कही, जलवायु से जुड़ी घटनाओं और उनका आर्थिक स्थिति पर पड़ता प्रभाव और ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं भी कहीं ना कहीं जो वार्ता के बिंदु रहे हैं। कोविड महामारी से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया गया है। राजनाथ ने कहा कि भारत और जापान एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण कर रहे हैं, जो राष्ट्रों की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित एक स्वतंत्र खुले नियम आधारित और समावेशी हिंद प्रशांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। तो अब 2+2 वार्ता देख लेते कि 2+2 मतलब एक तरह से जो हमारे कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री है और कहीं ना कहीं जो विदेश मंत्री है दोनों, और कहीं ना कहीं जो जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो आपस में मिलते हैं, यानी इन्हीं के जो समकक्ष है, तो इन दोनों की जो बैठक होती है उसको 2+2 वार्ता कहा जाता है। कहीं ना कहीं जापान की राजधानी टोक्यो में कहीं ना कहीं जो 2+2 की वार्ता हुई, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे जो जापानी समकक्ष के साथ बैठने के बाद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और कहीं ना कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो कहीं ना कहीं इनकी बैठक हुई। अब हम यहाँ पर जो प्रीलिम्स प्रस्पेक्टिव से जो जापान की मैप का एनालिसिस करते हैं। अब ये जापान का मैप हो गया, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो ये होकाइडो सबसे उत्तरी क्षेत्र में, होकाइडो, फिर होनशु, फिर शिकोकु, फिर क्यूशु और फिर रुक्यू आइलैंड्स हो गया। फिर हम इसकी राजधानी को देखते हैं तो टोक्यो, फिर कहीं ना कहीं माउंट फिजी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई, फिर नगोया, क्योटो, फिर कोबे, ओसाका, हिरोशिमा, इधर नागासाकी। कौन से द्वीप पर है? तो हिरोशिमा, शिकोकु और क्योशु पे कहीं ना कहीं नागासाकी, जहाँ कहीं ना कहीं 1945 में कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था। उसके बाद देखते हैं कि इसके पश्चिम में और पूर्व में कौन सा सागर है, तो इधर पूर्व की साइड पैसिफिक ओशन हो गया, इधर पूर्व में ईस्ट में कहीं ना कहीं एक तरह से पश्चिम की साइड सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी भी बोलते हैं, इधर साउथ कोरिया से इसकी कहीं की समुद्री जो सीमा साझा करता है, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना से, रशिया से, इधर नीचे की साइड फिलीपींस सी अवस्थित हो गया है। फिर इसके बीच में से कौन सी रिवर्स निकल रही है, तो शी नानू रिवर्स होकर निकल रही है। लेक बिकवा जो कहने के जापान से संबंधित है, और एक और है फुकुशिमा, कहने के जो यहाँ पर जो कहने के जो परमाणु हादसा की एक घटना घटित हुई थी, जहाँ कहने के जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसे रेडिएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक तरह से प्रभावित हुए थे कहीं ना कहीं जो। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण तक इसके जो द्वीप हैं उनका क्रम जमाइए, और इसमें जो हिरोशिमा है कौन से आइलैंड्स पर अवस्थित है, नागोसाकी किस आइलैंड्स पर अवस्थित है, इसकी टोक्यो कौन से द्वीप पर अवस्थित है, इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इधर ईस्ट चाइना से आ गया है दक्षिण पश्चिम की साइड में। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ब्रिटिश पीएम ने ऊर्जा बिल को सीमित करने के लिए 2 वर्षीय योजना पेश की। तो अब एक घर को ऊर्जा पर साल में 2500 पाउंड से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा खर्च। प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरे दिन ही ट्रस्ट ने लोगों के जीवन यापन की लागत कम करने की उपयोगी घोषणा की है। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अमेरिका में पहली बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग पाया गया। तो बग किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करते समय छूट गई गलती होती है, जिससे की वजह से सॉफ्टवेयर को नुकसान हो सकता है। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अब हम कुछ मैप का एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम उड़ीसा का मैप देखेंगे, यानी जहाँ भी जिक्र हुआ है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो पहले हम उड़ीसा का एक बार फिजिकल मैप देख लेते हैं। तो इसकी सीमा कौन से राज्यों से लगती है? तो इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लग रही है। ये कौन सी नदी आ रही? तो ये महानदी होकर आ रही। ये कौन सा हीराकुंड बांध हो गया है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से हो गई। फिर इसके बाद कहीं की महानदी में कहीं की टेल नदी मिलती है, यह महानदी, और इसी के किनारे कटक भुवनेश्वर बसा हुआ, ये पुरी हो गया, ये चिल्का झील, ये ब्रह्मपुर, ये महेंद्रगिरी जो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, इंद्रावती नदी, कहीं के फिर गोदावरी नदी में जाकर मिलती हैं। इधर छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, इधर राउरकेला, जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक संयंत्र लगाया था विदेशी देशों की मदद से, ये बालेश्वर, ये मेदिनीपुर, ये ब्राह्मिणी नदी, और कहाँ जाकर गिर रही है? तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही हैं। अब हम इसका गूगल मैप को देखते हैं। तो ये गूगल मैप हो गया, ये उड़ीसा वाला राज्य हो गया, ये कटक, ये भुवनेश्वर, ये खुर्दा, ये चिल्का झील हो गई, ये पूरी जगन्नाथ। अब चलते हैं हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर, अब्दुल कलाम आइलैंड्स पे। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हो गया, ये चांदीपुर रोड, यही कहीं ना कहीं चांदीपुर आ गया है। अब हम जो एपीजे कलाम द्वीप है उसको देखते हैं। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड्स, और ये यहाँ पर कहीं कहीं भीतर कनिका नेशनल पार्क से अवस्थित हो गया है, और ये कहीं कहीं वैतरणी नदी, ये सिमलीपाल फॉरेस्ट रेंज एंड टाइगर रिजर्व, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क्स, ये रंगाली रिजर्वियर, ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ कहीं ना कहीं जो हीराकुंड रिजर्वियर, और ये महानदी। अब हम जापान का मैप देखेंगे। तो ये जापान की लोकेशन है, किधर है? पूर्वी एशिया की साइड, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, और इधर पैसिफिक ओशन आगे इसकी पूर्व की साइड में, इधर ऊपर की साइड सी ऑफ ओकस्टक, ये ओकाइडो, ये सी ऑफ जापान, ये ईस्ट सी, ये सी ऑफ जापान ईस्ट सी हो गया, एंड इसके कहने की पश्चिम की साइड में, और नीचे फिलीपींस सी आ गया दक्षिण की साइड में, इधर येलो सी, ये हिरोशिमा, यदि हमें भारत से जापान जाना है तो हम कौन सा सी रूट पकड़ेंगे? तो हम बे ऑफ बंगाल से होते हुए, अंडमान सी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, कहीं ना कहीं जो ताइवान स्ट्रेट से होते हुए, कहीं ना कहीं जापान पहुंच जाएंगे, जापान की टोक्यो, जहाँ कहीं ना कहीं 2+2 वार्ता हो रही है, निकल चल रही थी। तो अब देखते हैं जो दिल्ली की जो टाउन प्लानिंग है उसका मैप। तो ये गूगल अर्थ का मैप हो गया। अब चलते हैं हम भारत पर, चलते हैं हम दिल्ली। तो ये दिल्ली का मैप दिखाया हुआ है, ये इंडिया गेट, ये कर्तव्य पथ, ये रायसेना की पहाड़ियाँ, ये राष्ट्रपति भवन, इधर प्रेसिडेंट भवन हो गया, इधर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय,
ये ताल कटोरा गार्डन्स, और ये कृषि भवन, ये भारतीय संसद, ये नेशनल म्यूजियम, ये विजय चौक, ये INS इंडिया यानी भारतीय नौसेना, ये गांधी मार्च स्टेचू, ये नेहरू प्लेटेनेरियम, ये कश्मीर हाउस, ये कृष्णा मेनन तेल एरिया, लेन एरिया, ये गांधी स्मृति म्यूजियम, ये जनपथ रोड एरिया, ये UPSC, ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये इंद्रप्रस्थ पार्क, ये रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, ये यमुना नदी होकर निकल रही है, ये इंदिरा गांधी एरिया एरिना, ये राजघाट, जहाँ कहीं ना कहीं कोई भी विदेशी आता तो कहीं ना कहीं राजघाट पर कहीं ना कहीं, पर जो श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं कोई भी विदेशी आता है तो। ये लाल किला, ये पुरानी दिल्ली वाला, ये यमुना घाट, ये नेशनल वॉर मेमोरियल, ये इंडिया गेट, ये कर्तव्य पार्क, अब इसका नाम राजपथ से हटाकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये राष्ट्रपति भवन से, ये मुगल गार्डन, ये सेंट्रल रजिस्ट्री, ये पार्लियामेंट, इससे ऊपर का भी ऐसे दिखा हुआ लोकसभा चैम्बर्स, द राज्यसभा चैम्बर्स, ये भारतीय संसद, और न्यू लोकसभा हाउस, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो इसकी तरह काम चल रहा है, ये इसी के पास में बनाया जा रहा है, ये वाला लोकेशन जो भी सेंट्रल विस्टा है, ये इसमें न्यू राज्यसभा यानी अपर हाउस पार्लियामेंट, इधर लोकसभा यानी न्यू हाउस जो लोअर हाउस है, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट हाउस वाला, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बिल्डिंग्स हो गई ऊपर से ऐसी दिख रही है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये फाइनेंस लाइब्रेरी एंड पब्लिकेशन सेक्शंस, ये नॉर्थ ब्लॉक, ये इलेक्शन डिवीजन CPWD, ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये रेल भवन, ये कृषि भवन, ये शास्त्री भवन, ये PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये राष्ट्रपति भवन, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमको इसको देखना है। बुद्ध जयंती पार्क, तो हमारा विश्लेषण आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हम जो भी मिस्टेक्स से गलतियाँ हैं उनको सुधार सकें। तो धन्यवाद आपका।